जब लोग आपसे जलेंगे तो आपके बारे में बुरा बोलेंगे, क्योंकि बुरा करने की उनकी औकात नहीं होती है। और मैं तो कहता हूं, चाहने वालों की संख्या भले ही कम हो जाए, लेकिन जलने वालों की हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। हाय एवरीवन, एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, मैंने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि मैं एक फोन लेने वाला हूँ, गेमिंग स्मार्टफोन। तो देखिए, ये आ चुका है। इतनी खुशी मुझे। और इसका हम लोगों ने ओपन बॉक्स डिलीवरी रखा था, तो डिलीवरी एजेंट जब आया था उसी समय हम लोगों ने मतलब क्या बोलते हैं इसको अनबॉक्सिंग कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये बॉक्स को अनबॉक्स किया है और मोबाइल को हम लोगों ने अनबॉक्सिंग नहीं किया था, ताकि आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको आप लोगों को दिखाएंगे कि ये जो फोन है कौन सा फोन है और इसको हम लोग किस लिए लिए हैं और किस कारण से मतलब ये फोन लेना पड़ा हमको, टोटल इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोग अगर ब्लॉगर होंगे, यूट्यूब पे वीडियो बनाते होंगे, तो आप लोगों को ये फोन कैसा है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और अगर आप लोग यूट्यूब चैनल होगा तो आप लोग कैमरा के लिए लीजिएगा, लेकिन मैं गेमिंग के लिए लिया हूँ। लेकिन मैं इसको कैमरा भी ट्राई करूंगा कि कैमरा इसका कैसा है, ब्लॉग इससे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और इसको चेक भी करेंगे कि इसका माइक वगैरह कैसा काम करता है। तो फिलहाल जो अभी मैं अपना पर्सनल जो फोन है उससे मैं शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सा मतलब अंदर मिलता है, क्या क्या सामान फोन में मिलता है। और ये जो है, आप लोग जो टेक चैनल पे आप लोग रिव्यू जो देखते होंगे वो जो रिव्यू जानते हैं कि वो तो पैड होता है। और बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और हम लोग जो करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद का पैसे से मंगाते हैं, और जो लोग पैड रिव्यू करते हैं उन लोगों को कंपनी के थ्रू ही फोन मिलता है, तो वो लोग अच्छा ही बताते हैं, लेकिन हम लोग खुद का पैसा से मंगाया है तो इसको हम लोग देखते हैं कि अंदर का फोन कैसा है और ये आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि अभी इसको हम अनबॉक्स करेंगे और यूज करेंगे कुछ देर, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। तो ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली गाइस, देखिए यही बॉक्स है, ये ऊपर में देखिए यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग अनबॉक्स करेंगे। देखिए, डिलीवरी एजेंट के सामने ही हम लोगों ने अनबॉक्स किया था, लेकिन ये फोन को मैंने अनबॉक्स नहीं किया था, ताकि आप लोगों के सामने ये अनबॉक्स करेंगे। ये देखिए है इन्फिनिक्स 030 है, 5G है। और सबसे हाईलाइट देखिए, मैं क्या देख के लिया हूँ, इसको लेने का मेन रीजन है कि इसमें देखिए आप लोगों को ये तो 12GB 256GB का है और 4K यहाँ पे फ्रंट कैमरा से आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए 50MP यहाँ पे ब्लॉक कैमरा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक कैमरा भी आप लोगों को लिखा हुआ है। मेन मेरा यही रीजन है, बाकी और जो मेन रीजन है वो है रीजन मेरे को गेमिंग के लिए, तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मेरे को एक गेमिंग फोन चाहिए था। और इधर में आप देख सकते हैं 50MP टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, 108MP रियर कैमरा है, 21GB यहाँ रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। टोटल इसके बारे में यहाँ पे फोन का डिटेल लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। यहाँ देखिए सिक्योरिटी सील है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे आप लोग जानते होंगे कि ईटा पकड़ भी आ जाता है हाथ तेरी बहन के, इसके चलते हम लोगों ने ओपन बॉक्स ही डिलीवरी किया था। तो ये देखिए ठीक ठाक है, और इसको हम लोग ब्लेड वगैरह नहीं है, इसको ऐसा ही हम लोग ओपन करते हैं। इसका देखिए जो प्राइस है वो प्राइस इस बॉक्स में 29,999 है, यहाँ पे देख सकते हैं 30,000 के लगभग है, लेकिन मेरे को ये 20-21 के लगभग में पड़ा है। क्रेडिट कार्ड का यूज करने पे हम लोगों को 21 के लगभग ये पड़ा है। तो इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए एक और सील यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो भाई इसको हम लोग ओपन करते हैं, ये देखिए ये फर्स्ट होने वाला अनबॉक्स, ये देखिए इस टाइप का ये बॉक्स है। ये देखिए आप लोगों का फोन है, जो कि इसको अभी हम लोग साइड में रखते हैं, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो ये इस टाइप का ब्लैक बॉक्स है, इसमें देखिए ये सिम इजेक्शन टूल है, ये सिम निकालने वाला है इसमें, ठीक है, इसको इधर रख देते हैं। ये देखिए आप लोगों को एक टेम्पर यहाँ पे दिया हुआ है, टेम्पर नहीं है नॉर्मल, ये कब मतलब ऊपर से आप इसको लगा सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, काफी अच्छा है, ये किसी फोन में नहीं देता है। इसमें देखिए आप लोगों को दिया हुआ है, और ये आप लोगों को देखिए लव लेटर है, जो कि कोई पढ़ता नहीं है इसको, ये तो फालतू है। और इसके साथ में देखिए ये काफी अच्छा है, देखिए ये कवर है, देखिए ये सब आप लोगों को इसी फोन के साथ मिलता है। अगर आप लोग सैमसंग आईफोन लेते हैं तो आप लोग कंगाल बन जाइएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, इसमें आप लोगों को टोटल चीज मिलता है, मार्केट से कुछ खरीदने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगा। ये देखिए कवर है, जो कि काफी अच्छा है, ये कुछ दिन में ऐसे पिल्ला हो जाता है, लेकिन फ्री में मिल रहा है तो अच्छा है। और ये देखिए आप लोगों का इन्फिनिक्स का यहाँ पे चार्जर, देखिए 68W का यहाँ पे चार्जर दिया हुआ है, जो कि आप लोगों को ज्यादा अभी तो चेक नहीं किए हैं, फिर भी ये 30 से 40 मिनट में ये फुल चार्ज कर देगा। और इसमें देखिए आप लोगों टाइप A to Z C है, हाँ ये देखिए सी टाइप का चार्जर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं केबल इस टाइप का लेंथ है। तो ये आप लोगों का यही बस इतना मिलता है, जो कि टोटल चीज है, ये चार्जर आप लोगों का हो गया, ये आप लोगों का कवर हो गया, ये आप लोगों का सिम इजेक्शन टूल हो गया, और ये साथ में हो गया टेम्पर ग्लास। इसको हम लोग अलग रखते हैं और मेन हम लोग मुद्दा पे आते हैं, फोन को हम लोग देखते हैं फोन को कैसा है।
तो गाइस ये देखिए मेन फोन मेरा यही है और इसको हम लोग फर्स्ट इम्प्रेशन देखने वाले हैं कैसा ये दिखता है। देखिए काफी ये अच्छा दिख रहा है, मतलब इतना कम रेट में ये आप लोगों का पहला फोन है जो कि आप लोगों को मिल रहा है। इतना कम रेट में आप लोगों को इस टाइप का फोन, देखिए ये कर्व डिस्प्ले पूरा है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें टेम्पर ग्लास शायद नहीं लगा हुआ है, इसमें गोरिल्ला ग्लास लगा है। देखिए कितना स्लिप कर रहा है। और ये देखिए इधर इसको हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए पावर्ड बाय इन्फिनिक्स लिखा हुआ है और ये जो है मेटल बॉडी नहीं है लेकिन फिर भी काफी यहाँ पे शाइनिंग है। यहाँ पे देखिए सिम टूल है और इसमें आप लोगों को यहाँ पे सिम लगाने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को टाइप सी यहाँ पे है, चार्जर का है और यहाँ पे स्पीकर है। इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं, ऑन करने के बाद आगे आप लोगों को दिखाते हैं। ये हो चुका है ऑन, ये ऑन हो गया है। और इधर देखिए, देखिए कैमरा काफी इसमें बड़ा बड़ा है, देखिए देख सकते हैं। ये 108 मेगापिक्सल का है और इसमें शायद 13 मेगापिक्सल का शायद अल्ट्रा वाइड है, जो कि ब्लॉगर लोग को आप लोगों को अल्ट्रा वाइड का ही जरूरत होता है। ये जो छोटा कैमरा है इसका कोई यूज नहीं है और ना कोई करता है। और ये यहाँ पे फ्लैश दिया हुआ है, अधिकतर यहाँ पे आप लोगों को जो मेन कैमरा है उसका और जो अल्ट्रा वाइड होता है ब्लॉगर के लिए आप लोगों का अल्ट्रा वाइड ही और मेन कैमरा का यूज होता है, इसका यूज नहीं होता है। तो ये देखिए ओपन हो चुका है, इसको हम लोग इंग्लिश कर लेते हैं। इसको सेटअप यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से सेटअप हम लोग इसको कर लेते हैं। और ये हो गया हमारा सेटअप और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं और इसको स्किप करेंगे। तो गाइस ये हमारा हो गया, XOS यहाँ पे शुरू हो गया है, ठीक है, मतलब ये स्टार्ट हो गया। और ये एंड्रॉइड 13 पे शायद आता है। और इसमें देखिए सबसे अच्छा चीज, देखिए ये जब आप इसको यूज करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इधर से निकल के इधर जा रहा है और वीडियो भी देखेंगे तो लगेगा कि अंदर से आप लोगों को बाहर दिख रहा है वीडियो, इसी कारण से इसको लिए हैं। और वैसे तो इसको गेमिंग पर्पज के लिए लिए हैं लेकिन इसमें ब्लॉगिंग भी काफी अच्छा होगा जो कि अभी टेस्ट करेंगे, तो दोनों काम हो जाएगा इसके चलते लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे कॉल जो डायलर है, यहाँ पे गूगल का डायलर नहीं है, आप यहाँ से आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं कॉल के, कोई वार्निंग वगैरह नहीं आएगा। और इसका अब हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये आप लोगों का कैमरा सेटअप है और ये टेक रिव्यू नहीं है, ठीक ना, टेक रिव्यू नहीं है, इसके चलते मैं टेकी बात उतना नहीं बोलूंगा, मैं नॉर्मल ही आप लोगों को बात बताऊंगा। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को ये एंड्रॉइड 30 पे शायद ये मिलना चाहिए, हाँ एंड्रॉइड 30 पे ये मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग मेन तो इसका गेमिंग है जो कि गेमिंग हम लोग इसका कुछ इसको ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका कैमरा देखते हैं, फ्रंट कैमरा और पीछे का कैमरा, वो दोनों को देख के वीडियो इसका बनाएंगे और वो देखेंगे कि कैसा इसका बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कंक्लूजन देंगे कि ये फोन आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस अभी जो कैमरा है आप देख रहे हैं ये इन्फिनिक्स का जो 030 है, इसका कैमरा फ्रंट कैमरा है। फ्रंट कैमरा जो 4K 60 FPS है उससे ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है आप लोग बताइएगा। और इसका जो माइक है वो आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये माइक उस फोन से कनेक्ट था तो ये डिस्कनेक्ट हो गया है, इसमें कोई माइक मैंने कनेक्ट नहीं किया है। तो इसका आप लोगों का जो फ्रंट कैमरा है वो बताइएगा कि कैसा क्वालिटी है। और देखिए शेक वगैरह हो रहा है कि नहीं, हिल तो नहीं रहा है उतना, देखिए इतना ज़्यादा हिला रहे हैं, फ्रंट कैमरा उतना ज़्यादा हिल नहीं रहा है। और मेरे हिसाब से तो अभी तो यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी अभी 4K में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पीछे का भी व्यू काफ़ी क्लियर दिख रहा है और स्काई ये सब भी काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है, क्योंकि इधर अभी बादल किया हुआ है तो बादल के चलते आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा थोड़ा डिफरेंट टाइप का। लेकिन मेरे हिसाब से क्वालिटी तो अभी फ्रंट कैमरा का काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और हम लोग अब बैक कैमरा का भी ट्राई करेंगे, आप लोग माइक देख लीजिएगा जो इसी फ्रंट कैमरा से जो यूज करते हैं, तो माइक इसका कैसा आवाज, मतलब क्लियर आवाज़ आता है कि नहीं, वो आप लोग देख लीजिएगा। और इसका हम लोग बैक कैमरा का यूज़ करता है और उसको देखते हैं कि उसका क्वालिटी कैसा है। भाई अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ बैक कैमरा का यूज़ कर रहा हूँ, मेन कैमरा जो होता है बैक कैमरा उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं पीछे का क्या व्यू है, कैसा आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बताइएगा कि क्वालिटी कैसा आ रहा है। और जो माइक का क्वालिटी है वो भी आप लोग बताइएगा कि माइक का क्वालिटी कैसा आ रहा है। और अब हम लोग स्विच करेंगे अल्ट्रा वाइड में और अल्ट्रा वाइड में आप लोगों को दिखाते हैं कि माइक वगैरह और जो कितना व्यू कैप्चर कर पाता है वो आप लोगों को दिखाएंगे। अभी जो यूज हो रहा है ये अल्ट्रा वाइड का यूज हो रहा है, 13 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड है उससे यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन कैमरा से और अल्ट्रा वाइड से कितना वाइड ये हो पाता है वो आप लोग देख के बताइएगा, ठीक है। मैं तो एडिट करते समय देखूंगा कि कैसा वाइड आ रहा है और माइक का क्वालिटी कैसा आ रहा है। अगर आपके पास माइक नहीं होगा तो आप विदाउट माइक का इस फोन से कैसा आप लोगों को ऑडियो मिलेगा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर का आसमान आप देख सकते हैं किस टाइप का आप लोगों को दिख रहा होगा। तो फिलहाल मैंने आप लोगों को फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा को भी दिखा दिया। और गेमिंग के लिए 12 GB रैम और 256 GB का रोम है, मतलब तो आप लोगों को गेमिंग के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा। गेमिंग तो हम लोग बाद में टेस्ट करेंगे, बाकी मैंने आप लोगों को कैमरा वगैरह दिखा दिया, फ़ोन वगैरह कैसा है वो भी दिखा दिया। और ये जो है 21,000 के लगभग मेरे को पड़ा है। कुछ देर के बाद हम वीडियो इसका चेक करते हैं कि कैसा बना हुआ है, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि ये फ़ोन कैसा है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है।
तो फिलहाल गाइस मैंने कुछ देर उसको टेस्ट किया फोन को, वीडियो वगैरह टेस्ट किया, वीडियो का सैंपल आप लोग देख चुके होंगे कि कैसा वीडियो आता है। और गेमिंग जो है उसका काफी ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है। और क्योंकि 12 GB उसमें रैम है और 256 GB रैम है उसके चलते काफी मतलब ठीक ठाक चल रहा है। और कैमरा भी उसका ठीक ठाक मेरे को लगा, अल्ट्रा वाइड भी ठीक ही है। मतलब अगर आप ब्लॉगिंग करने के लिए फोन लेना चाहते होंगे तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें माइक जो है काफी अच्छा था, क्योंकि आप लोगों ने माइक का आवाज सुना काफी अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्सटर्नल माइक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फोन के ही माइक से आप यूज कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा जो है 4K का सपोर्ट दिया हुआ है फ्रंट कैमरा, तो फ्रंट कैमरा भी काफी उसका अच्छा था। आपको बैक कैमरा की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, फ्रंट कैमरा से भी आप वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइज मैंने आप लोगों को टोटल डिटेल बता दिया कि ये फोन कैसा है गेमिंग के लिए, अगर आप लोगों को लेना चाहते हैं तो कैसा है, ठीक ठाक है। और ब्लॉगिंग के लिए भी ठीक ठाक ही है, मतलब आप लोग गेमिंग भी कर सकते हैं, ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, एक ही कैमरा में एक ही फोन में आप लोग दोनों चीज कर सकते हैं, ठीक ठाक आप लोगों को परफॉर्म कर देगा। और सबसे बड़ा सवाल, आप लोगों को ये फोन चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर 20-21 हजार में मिलता है 12 GB 256 GB तो आप लोगों को ले लेना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस में आप लोगों को कोई भी फोन इतना स्पेसिफिकेशन नहीं देता है। और खास करके अगर ब्लॉगिंग करना होगा तो ब्लॉगिंग के लिए जो फ्रंट कैमरा है वो 4K आप लोगों को कोई फोन अभी नहीं दे रहा है। अगर दे भी रहा है तो आप लोगों को 40-50 हजार से ऊपर आप लोगों को लगाना पड़ेगा, तब आप लोगों को 4K का सपोर्ट मिलेगा। तो ब्लॉगिंग के लिए ठीक ठाक है और गेमिंग के लिए भी कुल मिला के अच्छा ही है। तो फिलहाल गाइस इस ब्लॉग में इतना है, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। और ये हम लोगों ने फर्स्ट सेल में ही लिया है, 4 दिन पहले सेल आया हुआ था तो उसी सेल में हम लोग लिए हैं, फर्स्ट ही सेल में क्रेडिट कार्ड का यूज किया है तो कम पड़ा है। बाकी इसका रेट तो है 29 हजार ऐसा दिखा रहा है, लेकिन आप लोगों को फ्लिपकार्ट 25 हजार के लगभग दिखाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप लोगों को 20 से 21 आप लोगों को पड़ेगा। तो फिलहाल गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। अगर फोन से रिलेटेड कोई क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को और भी अच्छा से आप लोगों को कमेंट आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।